और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सिद्धार्थनगर जनपदीय एसओजी सर्विलांस व थाना उसका बाजार पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा हत्या की सनसनीखेज घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा किया गया। वहीं अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त किए गए कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। मामले में जब पुलिस ने कड़ाई से आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि करीब 6 वर्ष से उसका शैलेश के साथ प्रेम संबंध था। इस दौरान आरोपी का उसके घर आना जाना भी था, मगर पिछले कुछ समय से वो उससे ठीक से बात नहीं करती थी। जब भी वो प्रेमिका को फोन करता तो उसका नंबर व्यस्त आता था, जिसके कारण उसे शक हो चला था कि वो किसी अन्य से प्रेम करती थी। आरोपी ने बताया कि वो बार बार मना करता रहा पर प्रेमिका नहीं मानी। घटना वाले दिन जब आरोपी ने उससे मिलने के लिए कहा तो पहले उसने मना कर दिया, लेकिन फिर बोली कि आज के बाद वो उससे कभी नहीं मिलेगी, जिसके बाद वो प्रेमिका के घर गया, जहां दूसरे लड़कों से बात करने को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। आरोपी ने बताया कि वो मेरी बात को नहीं मान रही थी, जिससे वो दुखी था। वहीं कहासुनी के बाद प्रेमिका सो गई, जिसके बाद पास में रखी कुल्हाड़ी को लेकर उसके कनपटी पर लगातार 4 बार उसने प्रहार किया, जिससे प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उसने कुल्हाड़ी को कमरे के बारजे पर छिपा दिया। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम विनोद साहनी है, जो कि गुलरिया थाना गोरखपुर का बताया जाता है। विराट 24 न्यूज के लिए सिद्धार्थनगर से नियामतुल्ला की रिपोर्ट। अंतर्गत एक ग्राम में नटवा था, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 32 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची थी, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। मौके पर जब बात की गई तो महिला के साथ उसके 2 बच्चे उस रात को थे। उन्होंने पूछा था, बताया था कि एक विनोद साहनी नाम का व्यक्ति है जो उस रात को आया था, पहले भी आता रहा है, इसलिए उसके द्वारा ये कार्य की गई थी। हम लोगों ने पुलिस टीम का गठन किया गया था और इसमें हमारी एसओजी एवं थाना उसका की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया है कि इस महिला से इसका प्रेम संबंध था और नियर टाइम में ये महिला अन्य लोगों से भी बात करने लगी थी, जिसकी वजह से इसमें ईर्ष्या थी और इसी के चलते इसने इस महिला की हत्या कर दी। और टीम ने इसमें जो आला कदम है इस खिलाड़ी से महिला की हत्या करेगी, उसको भी बरामद किया गया। सर, टीम को कुछ पुरस्कृत भी किया गया? टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। 24 घंटे के भीतर अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए सफल अनावरण किया है। इसके लिए 1,000 रुपये का इनाम भी।